नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो पे। टेक सीख प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है ITI से रिलेटेड सभी जॉब की अपडेट, पेपर के एनालिसिस और जो भी ITI से संबंधित जॉब निकलती हैं उसके एग्जाम प्रिपरेशन की गाइडेंस, साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस और बहुत कुछ। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना निमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज को। इसमें हमने ऑलरेडी अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है फिटर का। आज से हम यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जो अपनी क्लासेस हैं ये ITI फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो MP ITI TO हो, NPCIL के फॉर्म हो, इसरो के फॉर्म हो, DRDO के, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें बेसिकली हम पर वीडियो 20 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ क्वेश्चन में जहां पर ज़रूरत होती है उसको इन डेप्थ निमी की सहायता से, निमी की बुक में जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, थ्योरी को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द रीमर। तो यहाँ पर आपको एक रीमर का फिगर दिखाया गया, यहाँ पर एक एंगल दिखाया गया है जिसको एक्स से मार्क किया गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है ये कौन सा एंगल है। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को पता होता है, यहाँ पर जो हमारे फ्लूट्स होते हैं, फ्लूट जिस भी एंगल पे कटे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, तो ये हेलिक्स एंगल दिखाया गया। यहाँ पर आप इसकी सेंटर लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर डॉटेड डॉटेड मार्क करके आपकी सेंटर लाइन दिखाई गई है, सेंटर लाइन हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो हेलिक्स है, आपका जो फ्लूट है उसका एक एज हो गया। तो सेंटर लाइन की एक्सिस और फ्लूट की एज के बीच यहाँ पर जो कोण बनना है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो द एंगल बिटवीन द एज एंड द रीमर एक्सिस, जो रीमर की एक्सिस है और उसकी जो कटिंग की एज है उसके बीच जो एंगल बनता है इसको क्या कहा जाता है, हेलिक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दे सकते हैं, ये रीमर की एक्सिस थी और ये हमारा क्या है, फ्लूट का आपका एज है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा इसे हम हेलिक्स एंगल कहेंगे। ठीक, यही क्या करती है, यहाँ पर कटिंग एजेस का निर्माण करती हैं, इसी के द्वारा यहाँ पर जिसके बीच में जो ग्रुप्स होते हैं इसी के द्वारा कूलेंट आपका पहुँचता है, चिप्स भी इसी के द्वारा रिमूव होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। तो ड्रिल किए गए होल बेसिकली पूछ रहा है, अगर से पहले से कोई ड्रिल किया गया होल है उसको फिनिश करने की वाली जो प्रक्रिया होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सेम सेंटेंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी टेक्निकल का एग्जाम हो ये क्वेश्चन आपका पूछना ही पूछना होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ईजी है बट पूछा हर एक एग्जाम में जाता है। द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल, तो ड्रिल किया गया होल है उसको फिनिश करने की प्रोसेस क्या कहेंगे, रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग, तो इसको क्या कहते हैं हम, रीमिंग कहते हैं। ठीक, रीमिंग के द्वारा होल को क्या किया जाता है, फिनिश किया जाता है, जो भी आपका रिक्वायर्ड डायमीटर है उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कम साइज में ड्रिल करते हैं, रीमिंग के लिए पर्याप्त अलाउंस देते हैं और फिर रीमर के द्वारा स्लो स्पीड में कूलेंट का यूज करते हुए आराम से उसको हम फिनिश करने का काम करते हैं। बाकी यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है, स्पॉट फेसिंग क्या होता है, तो कोई भी आपका मान लो होल की ओपनिंग है, ठीक है, तो उसके सरफेस को क्या करना, फ्लेट करना, जिससे वहाँ पर आपका जो भी वाशर वगैरह वो आसानी से बैठ सके। काउंटर बोरिंग हो गया अप टू सर्टेन डेप्थ तक दिए गए होल के साइज को बड़ा करना, जिससे वहाँ पर आपका सॉकेट हेड स्क्रू वगैरह बिठाया जा सके। काउंटर सिंकिंग हो गया किसी भी होल के जो एंड है उसको बेबल करना, तो इसको क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग के नाम से जानते हैं। इस सबको हम अपकमिंग फर्दर क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रीमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैंड रीमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। तो जो बेसिकली हैंड रीमर होते हैं, चाहे हैंड रीमर की बात करो या मशीन रीमर की बात करो, दोनों में बेसिकली होता है, बट यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है जो हैंड रीमर होते हैं उसके दांतों में असमान अंतराल क्यों होता है। कहने का मतलब, मान लो यहाँ पर इसका हम 2D व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई एक यहाँ तीत बना है, एक यहाँ तीत बना है, एक यहाँ तीत बना है, तो इन तीतों के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ये समान नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है,
तो ऐसा क्यों रखा जाता है, इनके बीच जो स्पेस होती है अनइवन क्यों रहती है, असमान क्यों होती है? तो असमान होने से बेसिकली एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर आपकी चैटरिंग कम होती है, ठीक। और चैटरिंग कम होने के साथ साथ ये क्या करता है, उसको सेंटर में अच्छे से अलाइन करने का भी काम करता है, और होल आपका काफ़ी अच्छे से फिनिश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस चैटरिंग, चैटरिंग को कम करने के लिए बेसिकली ऐसा किया जाता है। इसमें आसमान स्पेसिंग रखी जाती है, इसका यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ रीमर, जैसा कि हमने बताया था, वो चाहे आपका मशीन रीमर हो या हैंड रीमर हो, अधिकतर जितने भी रीमर होते हैं उनमें क्या होती है, अन इवन स्पेसिंग ऑफ टीथ पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये टीथ हो गया, एक इधर टीथ हो गया, एक इधर टीथ हो गया, इधर टीथ हो गया, ये आपका टीथ हो गया। तो इसमें देखो आपका बेसिकली क्या है, आपका ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक। अब 360 डिग्री को डिवाइड करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो अराउंड 60 डिग्री आना चाहिए, बट क्या है आपका इक्वल नहीं है 60, ये 59.3 हो गया, या 62.5 हो गया, ये 58 डिग्री पर है, या 59 डिग्री पर है, 62 डिग्री पर है, ये 58 डिग्री पर है। तो इनके बीच में क्या है, आपका जो डिस्टेंस है समान नहीं है, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों रखा जाता है, तो इससे हमें मदद मिलती है चैटरिंग को रिड्यूस करने के लिए। जब हम रीमिंग करते हैं तो उस समय ऐसा रखने से वहां पर क्या होती है, बेसिकली चैटरिंग कम होती है और होल अच्छे से फिनिश होता है। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि अनइवन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल में यहाँ पर जो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, ठीक है, क्लियरेंस एंगल देने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास, प्रिवेंट रफ होल, जो यहाँ पर प्रिवेंट रफ होल अपरिष्कृत होल है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट ओवरसाइज होल, या प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस, या प्रिवेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग। तो बेसिकली ये क्यों दिया जाता है क्लियरेंस एंगल, तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, जब हमारा ड्रिल मूव करता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी उसकी एक साथ वहाँ पर घर्षण में नहीं आती है, जो कटिंग एज काम करता होता है वही आपका उस समय वहाँ पर कॉन्टेक्ट करता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको क्लियरेंस एंगल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस, जो आपका कटिंग एज है उसके पीछे वहां पर आपको घर्षण से बचाने के लिए कि उसकी पूरी बॉडी संपर्क में ना आए, इसलिए यहाँ पर उसको हम क्लियरेंस एंगल देते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है किस प्रकार से होता है। तो कई बार यहाँ पर आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, ये फिगर आपका डायरेक्टली एग्जाम में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या दिखाया गया, ये एंगल कौन सा दिखाया गया है, तो इस एंगल का नाम क्या होता है, क्लियरेंस एंगल, या इसी को आप लिप क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। 8 से 12 डिग्री के बीच में आपका होता है जो क्लियरेंस एंगल है ड्रिल बिट के लिए, कितना रखा जाता है, तो 8 से 12 डिग्री के बीच में यहाँ पर क्लियरेंस एंगल की वैल्यू रखी जाती है। क्लियरेंस एंगल होता क्या है, द क्लियरेंस एंगल इज मीन टू प्रिवेंट द फ्रैक्शन ऑफ द टूल बिहाइंड द कटिंग एज, तो जो भी आपका टूल है उसमें जो कटिंग एज है वो पीछे घर्षण ना करे, ठीक, इससे बचाने के लिए यहाँ पर क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। दिस विल हेल्प द पेनिट्रेशन ऑफ द कटिंग एज इन टू द मटेरियल, ये और क्या मदद करता है, तो इससे क्या होता है, जब पूरी बॉडी संपर्क नहीं होती केवल कटिंग एज ही संपर्क में होता है, तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छे से काफ़ी इजीली जॉब में पेनिट्रेट भी करता है, उसके अंदर काफ़ी आसानी से जाता है। अगर पूरा बॉडी वहाँ पर संपर्क में आएगा तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, ठीक, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इजीली यहाँ पर उसके पीछे क्लियरेंस होता है, ठीक, तो इसलिए वो इजीली वहाँ पर पेनिट्रेट कर पाता है। दो काम हो गया, ठीक, उसके पीछे यहाँ पर घर्षण से बचाने के लिए, साथ ही साथ अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, यदि क्लियरेंस एंगल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ड्रिल का जो क्लियरेंस एंगल है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो काफ़ी ज़्यादा होने से आपकी जो कटिंग एज है क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जब क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो वहाँ जो कटिंग एज है वो काफ़ी पतली हो जाएगी, काफ़ी शार्प पॉइंटेड हो जाएगी, तो उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर ये आपको कोई फ्लूट है, ठीक है, अब ये जैसे पीछे की तरफ जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा जब यहाँ पर एंगल देंगे तो आगे का जो पोर्शन वो क्या होगा, यहाँ पर पतला होता जाएगा, तो जिससे कटिंग एज हमारी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होने से कटिंग एज क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इन केस अगर मान लो ये काफ़ी कम हो जाए, क्लियरेंस एंगल काफ़ी कम हो जाए, तो क्या होगा, क्लियरेंस
क्रेयन संगल काफी कम होने से पॉइंट आपकी काफी मोटी हो जाएगी, जो आपका कटिंग पॉइंट है काफी मोटा होगा और इस केस में वो अच्छे से कटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो तो कटिंग एज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कटिंग एज हमारी वीक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग। रिविटिंग के लिए बेसिकली काउंटर सिंकिंग का एंगल कितना रखा जाता है। तो जब हम काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वहां पर प्रोसेस के लिए करते हैं, तो यहां पर पूछा गया है कि रिविटिंग के लिए बेसिकली कितना एंगल रखा जाता है। तो रिविटिंग के लिए आप सभी को क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर 75 डिग्री एंगल हम रखते हैं काउंटर सिंकिंग में। अब क्या क्या डिफरेंट यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, बेसिकली काउंटर सिंकिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं काउंटर सिंकिंग क्या होती है। काउंटर सिंकिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ड्रिल होल किए गए हैं, तो ड्रिल होल जो आपका है पूरा ठीक कुछ इस प्रकार से होगा, तो उसके एंड को जो लास्ट पोर्शन उसको कुछ इस प्रकार से बेबल करना थोड़ा सा, ठीक, तो वही क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। ठीक, काउंटर सिंकिंग इज कैरीड आउट फॉर फॉलोइंग पर्पस। काउंटर सिंकिंग क्यों किया जाता है, तो टू प्रोवाइड ए रिसेस फॉर द हेड ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। तो जो भी यहाँ पर काउंटर सिंक हेड स्क्रू है उसको क्या करना, हल्का सा यहाँ पर उसके हेड को रिसेस प्रोवाइड करना। ओके, देन यहाँ पर सो दैट इट फ्लश विद द सर्फेस आफ्टर फिक्सिंग। जो फिक्सिंग के बाद ये सर्फेस के साथ आसानी से इजिली से मैच कर जाएगा। टू डी बर ये होल्ड आफ्टर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बाद होल में जो बर वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए डीबरिंग के लिए भी काउंटर सिंकिंग की जाती है। फॉर एकोमोडेटिंग काउंटर सिंक रिवेट हेड, जो भी यहाँ पर ऐसे रिवेट है जो काउंटर सिंक टाइप के आते हैं उसको अच्छे से स्थान देने के लिए। टू चैम्फर द एंड ऑफ होल फॉर थ्रेड कटिंग एंड अदर मशीनिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर जो होल का एंड होता है उसमें काउंटर सिंकिंग करने के बाद वो हल्का सा चैम्फर हो जाता है, जिसके लिए वहाँ पर जो भी आपका थ्रेड कटिंग हो वो आसानी से हो जाएगी, या अदर कोई यहाँ पर मशीनिंग प्रोसेस करनी हो तो भी आसानी से यहाँ पर हो जाएगी। कई बार एग्जाम में यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से फिगर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है। तो यह कौन सा ऑपरेशन है, काउंटर सिंकिंग का ऑपरेशन है। आप यहां पर काउंटर सिंकिंग के लिए जो टूल यूज करते हैं इसको काउंटर सिंक टूल कहते हैं। इसकी बनावट से आपको समझ सकते हैं, यहां पर आपका कुछ कोन शेप का बनावट होता है, तो इसे समझ सकते हैं कि ये होल के एंड को क्या कर रहा है, बेबल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट जो पर्पज है उसके लिए एंगल कितना होता है, जैसे रिवेटिंग की बात की जाए तो रिवेटिंग के लिए एंगल कितना होता है, 75 डिग्री होता है। देन पूछा जा सकता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए एंगल कितना होता है, तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए एंगल होता है 80 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर डीवरिंग के लिए और यहां पर काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए, अगर पूछा जाए होल की डीवरिंग के लिए काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए एंगल कितना होता है, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। देन यहां पर चैम्फरिंग एंड ऑफ द होल टू बी थ्रेडेड, ऐसा होल जिसमें थ्रेडिंग करना है उसके एंड की चैम्फरिंग करनी है या अदर कोई मशीनिंग प्रोसेस करना है, तो उसके लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा। एंगल का मतलब यहाँ पर जो आप टूल देख रहे हैं इसमें दो कुछ इस प्रकार का जो यहाँ पर फेस बन रहा है यही बेसिकली क्या है, ये एंगल है। तो इन दोनों यहाँ पर इनके एजेस के बीच कितना एंगल बनता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से जो आपका कटिंग एज है तो ये एंगल कितना है, यही बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है। तो रिविटिंग के लिए कितना हो जाएगा, काउंटर सिंक रिविटिंग के लिए 75 डिग्री, सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री, ठीक। देन यहाँ पर डीवरिंग के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ऐसा होल जिसमें थ्रेड काटना है उसके लिए कितना हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कोई एक ना एक यहाँ पर आपके ऑप्शन में देकर के पूछ लिया जाता है। जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, रिविटिंग के लिए, सॉरी काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग के लिए पूछा गया था, तो रिविटिंग के लिए कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल व्हाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण क्या है। ऑप्शन है ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल को सही ढंग से नहीं पकड़ा गया है। वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, जो आपका वर्क पीस है उसको प्रॉपरली क्लैंप नहीं किया गया है।
क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, या जो क्लियरेंस एंगल है वो सही नहीं है, या फिर फ्लूट्स आर क्लॉग्ड विथ चिप्स, या जो ड्रिल के फ्लूट है उसके बीच में क्या हो गई है, चिप्स फंस गई है। तो ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण हो सकता है इस सभी में से? तो यहाँ पर एज पर ऑप्शन के अनुसार पहले इसका हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाया गया है, पर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है किस किस कारण से यहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर हीटेड ड्रिल के लिए, ठीक है, कि ड्रिल ओवर हीट किस किस कारण से होता है। तो यहाँ पर रीजन दिया गया है, द ड्रिल मे गॉट ओवर हीटेड इफ द, क्या क्या रीजन हो सकता है, कटिंग स्पीड इज टू हाई, यदि कटिंग स्पीड क्या है बहुत ज्यादा है तो आपका ड्रिल ओवर हीट हो सकता है, फीड रेट इज टू हाई, फीड रेट काफी ज्यादा देते हैं तो भी यहाँ पर ड्रिल ओवर हीट हो सकता है, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल प्रॉपर नहीं दिया गया है तो भी ड्रिल ओवर हीट होता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो हमारे पीछे की बॉडी होती है होल के साथ रगड़ खा के चलती है, कूलिंग इज इनसफिशियंट, इनफेक्टिव, जो हम कूलेंट यूज कर रहे हैं, कूलिंग यूज कर रहे हैं वो सही से नहीं यूज कर रहे हैं तो भी यहाँ पर ओवर हीट होगा, घर्षण होगा, पॉइंट एंगल इज इनकरेक्ट, पॉइंट एंगल सही नहीं है तो ड्रिल हमारा सेंटर में नहीं चलेगा तो उस कारण भी बॉडी हमारी रब करेगी, देन यहाँ पर ड्रिल ओवर हीट हो सकता है, या ड्रिल इज नॉट शार्प, इसका जो पॉइंट है बेसिकली कटिंग एज है वो शार्प नहीं है तो भी यह क्या हो जाएगा, ड्रिल ओवर हीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यदि क्लियरेंस एंगल सही नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ड्रिल ओवर हीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं और यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीज़ें ड्रिल के जो बेसिकली डिफेक्ट होते हैं और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि रफ होल कब बनता है, तो रफ होल के कारण है कि फीड रेट इज टू मच, अगर फीड रेट आपका ज़्यादा हो तो रफ होल बनेगा, या ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, ये ड्रिल का कटिंग एज शार्प नहीं है तो भी रफ होल बनता है, या कूलिंग इज इन इफेक्टिव, कूलिंग सही से नहीं है तो भी आपका रफ होल बनता है, और ये तीनों कारण हमारे ड्रिल के ओवर हीट में भी आते हैं, ठीक है, फीड रेट ज़्यादा है, कटिंग स्पीड ज़्यादा है, ड्रिल का कटिंग एज सही नहीं है, ठीक है, या कूलिंग सही नहीं है, पॉइंट एंगल सही नहीं है, ड्रिल शार्प नहीं है, तो ये ओवर हीट का कारण भी है और यहाँ ये आपके रफ होल के भी कारण होते हैं, ठीक है, ओवर हीट होगा तो उस टाइम रफ होल भी आपका बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओवर साइज होल से पूछा जाता है कि ड्रिल में ओवर साइज होल किस किस कंडीशन में बनता है, तो इसके लिए कारण है द अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एजेस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले फिगर में एक जो कटिंग एज है ये थोड़ी शॉर्ट है और दूसरी कटिंग एज हमारी लंबी है, तो अनइक्वल लेंथ, दोनों की जो लेंथ है ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका जो ड्रिल होगा वो क्या होगा, ओवर साइज होल बनेगा, क्योंकि हमारा एक ही जो बड़ा वाला लिप है, लॉन्ग वाला लिप है, यही कांटेक्ट में आएगा और शॉर्ट वाला लिप कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा जो ड्रिल है ओवर साइज होल यहाँ पर बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस, आपका जो कटिंग एज है उसका एंगल सही नहीं, एक थोड़ा ज़्यादा एंगल पे है और एक थोड़ा कम एंगल पे है, ठीक है, तो जिसका ज़्यादा एंगल होगा वो साइड थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और वही कटिंग एज का काम करेगी, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या बनेगा, रफ होल, हम सॉरी ओवर साइज होल बनेगा। देन स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर, बेसिकली जो हमने सेंटर मार्क कर रखा है वहाँ से हमारा क्या है, स्पिंडल, थोड़ा स्पिंडल में कुछ प्ले है, जो मशीन की स्पिंडल है उसमें प्ले है, ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेट है, वाइब्रेशन है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में ड्रिल हमारा सेंटर में नहीं चलेगा, वहाँ भी ओवर साइज होल बनेगा। देन ड्रिल पॉइंट नॉट बींग इन सेंटर, लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हमने सेंटर का मार्क किया था वहाँ पर हमारा ड्रिल का पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, शिफ्ट हो गया है, अलग हो गया है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर ओवर साइज होल बनता है। तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, ओवर साइज होल कब बनता है, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एजेस, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस, ये दो जो हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रफ होल कब बनेगा, फीड ज्यादा है या कटिंग एज शार्प नहीं है, कूलेंट सही नहीं है। ओवर हीट कब होगा, कटिंग स्पीड ज्यादा है, फीड ज्यादा है, एंगल सही नहीं है, या ड्रिल का पॉइंट जो है वो शार्प नहीं है, तो यहाँ पर ओवर हीटेड ड्रिल होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है आपसे अनइक्वल फ्लो अप चिप्स के बारे में,
कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ चिप्स है ये अनइक्वल है, मतलब एक फ्लूड से चिप्स आपकी लगातार निकल रही है, दूसरे फ्लूड से नहीं निकल रही है। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से निकलना चाहिए, इधर से भी चिप्स निकलना चाहिए, इधर से भी निकलना चाहिए, बट होता क्या है, होता है कि केवल एक ही साइड से चिप्स निकलती है, दूसरे साइड से चिप्स निकल ही नहीं रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स इज कॉज्ड इफ द कटिंग एजेस आर नॉट इक्वल, जो कटिंग एजेस हैं ये इक्वल नहीं है, मतलब जो इनकी लंबाई है वो सही नहीं है, या इनका जो पॉइंट एंगल है वो सही नहीं है। जो अभी हमने डिस्कस किया था अपने ओवरसाइज होल में कि जो कटिंग एज है वो इक्वल नहीं है या पॉइंट एंगल सही नहीं है, तो उस केस में आपका ओवरसाइज होल बनता है, और सेम कंडीशन में आपकी जो फ्लो ऑफ चिप्स होती है वो इक्वली नहीं होती है, एक ही आपके यहाँ फ्लूड से चिप्स निकलते हैं, दूसरे फ्लूड्स में चिप्स जाते ही नहीं है, तो ये आपका मेन रीजन होता है अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स का। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा सकता है ब्रोकन ड्रिल और स्प्लिट वेब, यहाँ पर आपकी ड्रिल किस कंडीशन में टूट जाती है, तो टूटने का कारण होता है कटिंग स्पीड इज टू हाई, कटिंग स्पीड ज़्यादा है, या फीड रेट काफ़ी ज़्यादा है, या जो हमारा वर्क पीस है वो प्रॉपरली क्लेम्प नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से ड्रिलिंग के टाइम क्या होता है वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, तो उस वजह से भी यहाँ पर आप ड्रिल टूट जाता है, या ड्रिल जो है वो स्पिंडल में सही से नहीं पकड़ा गया है, ड्रिल का पॉइंट शार्प नहीं है, या पॉइंट एंगल सही नहीं है, कूलेंट सही नहीं है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो यहाँ पर है फ्लूट के बीच में चिप्स फंस गई है। ठीक है, जो भी आपके फ्लूट्स हैं उसके बीच में यदि चिप्स फंस जाती है तो उस कंडीशन में वे ड्रिल क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स कब होता है, जब आपका जो कटिंग लिप है, ठीक है, जो दोनों इक्वल एजेस हैं वो इक्वल नहीं है, पॉइंट एंगल उनका सेंटर में नहीं है, पॉइंट एंगल सही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स होगा। ड्रिल टूटेगी कब, कटिंग स्पीड ज़्यादा होगा, फीड ज़्यादा होगा, क्लैंप नहीं होगा सही से वर्क पीस, या ड्रिल पॉइंट शार्प नहीं होगा, कूलेंट सफिशियंट नहीं होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आपकी चिप्स फंस जाएगी फ्लूट के बीच में, तो यहाँ पर ड्रिल आपका ब्रेक कर सकता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर ए गिवन डेप्थ, किसी भी दिए गए होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो हमने ऊपर ही आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में किसको क्या कहा जाता है, तो इसको काउंटर बोरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग। रिमिंग क्या होती है, होल को फिनिश करना, स्पॉट फेसिंग उसके सरफेस पर फिनिश करना, काउंटर बोरिंग दिए गए डेप्थ तक, दिए गए लंबाई तक, उसको दिए गए गहराई तक बड़ा करना, काउंटर सिंकिंग होल के एंड को बेवल करना। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी हम, तो काउंटर बोरिंग बेसिकली क्या होती है, काउंटर बोरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग ए होल टू गिवन डेप्थ, दिए गए गहराई तक होल को बड़ा करना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते ये हमारा काउंटर बोर टूल दिखाया गया है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका कोई होल है, इसको दिए गए डेप्थ तक केवल इतनी ही गहराई तक इसको बड़ा किया जा रहा है, बाकी इसकी गहराई और अंदर भी है लेकिन केवल इसको इतनी गहराई तक ही क्या कर रहे हैं, इसको हम बड़ा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका सेम आपका यह फिगर एग्जाम में दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर यह काउंटर बोरिंग एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, आपको ये टूल और ये फिगर देख के पहचानना होगा कि ये आपका अंदर होल है, इस होल को कुछ निश्चित गहराई तक यहाँ पर बड़ा किया जा रहा है, तो ये क्या है, काउंटर बोरिंग की ऑपरेशन की जा रही है। क्यों करते हैं, टू हाउस हेड ऑफ सॉकेट हेड और कैप स्क्रू, यहाँ पर जो सॉकेट हेड स्क्रू है या कैप स्क्रू है उसको यहाँ पर बेसिकली स्थान देने के लिए, जिससे वो प्रॉपरली इसमें फिट हो सके, यहाँ पर काउंटर बोर टूल के द्वारा काउंटर बोरिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट, एट द कटिंग एंड, जो आपके यहाँ पर कटिंग एंड होती है टूल की, यह पायलट इज प्रोवाइडेड, यहाँ पर एक पायलट लगा होता है, आप ये पूरा आपका क्या है, कोई आपका ये काउंटर बोर टूल है। ठीक है, अब काउंटर बोर टूल में यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो ये आपका क्या है, एक आपका काउंटर बोर टूल में एक आपका पायलट लगा हुआ है, जो डी है ये आपका इसका डायमीटर है काउंटर बोर का, और यहाँ पर जो डी टू लिखा है ये किसका डायमीटर है, ये आपका दिखा रहा है पायलट का डायमीटर, तो यहाँ पर लास्ट में देख पा रहे हैं आप क्या लगा होता है, पायलट लगा होता है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पायलट लगा हुआ है। अब इस पायलट का काम क्या होता है,
तो पायलट इज प्रोवाइडेड टू गाइड द टूल कंसंट्रिक, तो जो आपका यहाँ पर टूल है वो सेंटर में चले, कंसंट्रिक चले, इसलिए यहाँ पर पायलट लगाया जाता है। टू द प्रीवियसली ड्रिल्ड होल्ड, यहाँ पर आपका मान लीजिए पहले से हमारा एक कोई ड्रिल किया गया होल है, अब इसको हमें क्या करना है, कुछ इतनी डेप्थ तक इसको हमें क्या करना है, बड़ा करना है। तो जो पायलट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा, जिससे कि ये जो हमारा पहले से ड्रिल किया गया होल है इसकी जो सेंटर एक्सिस है उसी के सेंटर एक्सिस में आपका काउंटर बोर्ड टूल चले, इधर उधर वो ऑफसेट ना हो, तो प्रॉपर गाइड करने के लिए यहाँ पर पायलट लगाया जाता है। पायलट आल्सो हेल्प टू अवॉइड चैटरिंग व्हाइल काउंटर बोरिंग, और काउंटर बोरिंग के समय ये पायलट का और काम क्या होता है, तो यहाँ पर चैटरिंग को भी अवॉइड करता है, चैटरिंग को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो काउंटर बोरिंग क्या गया है, दिए गए डेप्थ तक होल को बड़ा करना, ठीक है। पायलट क्यों लगा होता है, तो पायलट गाइड करता है कंसंट्रिक चलने के लिए, साथ ही साथ चैटरिंग को भी अवॉइड करता है। ये फिगर आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा फिगर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात कर ली जाए स्पॉट फेसिंग के बारे में, तो स्पॉट फेसिंग क्या होती है, स्पॉट फेसिंग इज ए मशीनिंग ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सीट फॉर बोल्ट हेड वाशर और नट एट द ओपनिंग ऑफ ड्रिल्ड होल। तो कोई भी ड्रिल किया गया होल है, ये फिगर आपको ध्यान में रखना है, सीधा सीधा ये फिगर आपके एग्जाम में दिया जाएगा, और ये लाइन नहीं लिखी होगी स्पॉट फेसिंग की, केवल ये फिगर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये क्या ऑपरेशन को दिखा रहा है, तो दिखा रहा है स्पॉट फेसिंग को। यहाँ पर हमारा कोई ड्रिल का होल है, अब इसके सरफेस पर अगर मान लो हमें कोई बोल्ट बिठाना है, बोल्ट का हेड या कोई वाशर लगाना है या कोई नट बिठाना है, ठीक है, उसमें फिक्स करना है, तो यहाँ पर फ्लैट सरफेस वो आसानी से बैठ सके, इसके लिए यहाँ पर इस सरफेस को क्या किया जाता है, फ्लैट किया जाता है, इसी ऑपरेशन को स्पॉट फेसिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। टूल कौन सा यूज करते हैं, तो इसके लिए टूल यूज किया जाता है स्पॉट फेसर, ठीक, या स्पॉट फेसिंग टूल कह सकते हैं, या मान लीजिए ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो काउंटर बोरिंग टूल होता है, ठीक है, उसी से भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलर भी होता है काउंटर बोरिंग के, तो काउंटर बोर टूल के द्वारा यहाँ पर स्पॉट फेसिंग भी की जा सकती है, एक्सेप्ट दैट इज ये सालो से दैट इज ए स्लोअर, ये बेसिकली क्या होती है आपकी, स्लो प्रोसेस होती है, ठीक, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, बेसिकली क्या होती है आपकी, एक स्लो प्रोसेस होती है। टूल दैट इज यूज फॉर काउंटर बोरिंग कैन यूज फॉर स्पॉट फेसिंग एज वेल, वही हमने बताया कि यहाँ पर जो भी काउंटर बोरिंग के लिए जो टूल यूज करते हैं काउंटर बोर, इसको स्पॉट फेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा स्पॉट फेसिंग क्या होता है, किसी भी होल के ओपनिंग पर वहाँ पर उसके सर्फेस को फ्लेट करना, जिससे कि नट बोल्ट वाशर इन सब के हेड को आसानी से बिठाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर, हमने आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है, जब ड्रिल का क्लियरेंस एंगल बढ़ाते हैं कि अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रिल का क्लियरेंस एंगल जब अधिक हो जाएगा तो जो हमारी आगे की कटिंग एज होती है काफ़ी पतली हो जाती है, और पतली होने के कारण वो कटिंग एज क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग एज विल बिकम वीक, जो कटिंग एज होगी ड्रिल की वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और अधिक होगा तो क्या होगा, अधिक होने से हमारा ड्रिल कटिंग का काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर व्हाइल ड्रिलिंग, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा, इसको भी हमने डिस्कस किया था। मान लो ये हमारा क्या है, कोई होल ड्रिल करना यहाँ पर सेंटर है, जो हमारा स्पिंडल है वही क्या है, कुछ इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आपका मोमेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ वो क्या कर रहा है वहां पर, उसमें वाइब्रेशन है, आउट ऑफ सेंटर चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ प्ले है आपके स्पिंडल में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपका एक ही हो सकता है कि जो आपका ड्रिल किया गया होल है वो क्या होगा, ओवर साइज हो जाएगा, होल का डायमीटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ओवर साइज होल आर मेड, तो जब आपका ड्रिल पॉइंट जो है सेंटर में नहीं होगा या स्पिंडल जो है रनिंग आउट ऑफ सेंटर होगा तो उस केस में आपका ड्रिल क्या होगा, ओवर साइज बनेगा। इसीलिए हमने इस सारे ऑप्शन को, इस सारे पूरे यहाँ पर जो भी इसके डिफेक्ट है इसको पहले ही क्लियर कर लिया है कि आप उसको अच्छे से समझ सकें, रिलेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थ्रेड से पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड एलिमेंट मार्क एज एक्स, थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित किए गए एलिमेंट का नाम क्या है, तो एक्स बेसिकली कहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स दिखाया गया है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, इसको इन्होंने जूम करके भी दिखा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपका क्रेस्ट है उसकी सेंटर लाइन है, दूसरा क्रेस्ट है उसकी सेंटर लाइन है, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस को पैरेलली नापा जाए तो इसे
क्या कहा जाएगा? तो किसी भी थ्रेड पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम दूसरे पर्टिकुलर एडजेसेंट पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम पिच ऑफ थ्रेड कहते हैं। चाहे आप क्रेस्ट पे ले लो, चाहे आप एडजेसेंट रूट पे ले लो, इसको क्या कहा जाता है? इसको पिच ऑफ थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक, कोई भी आपका दो एडजेसेंट पॉइंट है उसके बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? पिच ऑफ थ्रेड कहेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चीजें होती हैं थ्रेड में। यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं, आपको फिगर दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मेजर डायमीटर के बारे में। क्या सबसे पहला क्वेश्चन आता है? मेजर डाया। तो थ्रेड का मेजर डाया क्या होता है? तो बेसिकली अगर बात की जाए, इसका आपका कंडीशन है कि अगर एक्सटर्नल थ्रेड है तो एक्सटर्नल थ्रेड में जो आपका ब्लैंक का डायमीटर होता है, ब्लैंक डायमीटर मतलब जिस डायमीटर पे हमें थ्रेड काटनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, थ्रेड कटिंग से पहले का जो डायमीटर वही क्या होता है? मेजर डायमीटर होता है एक्सटर्नल के कंडीशन में। और इंटरनल थ्रेड के कंडीशन में जब आपका होल पूर्ण रूप से थ्रेड कट चुकी होती है तो उसके बाद जो डायमीटर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मेजर डायमीटर कहते हैं, सबसे बड़ा डायमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर माइनर डायमीटर की बात की जाए, तो अगर इंटरनल होल की बात की जाए तो इंटरनल होल में थ्रेड काटने के लिए जो यहाँ पर ड्रिल होल किया जाता है, ठीक है, थ्रेड के लिए थ्रेड काटना है, थ्रेड डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, थ्रेड काटने से पहले यहाँ पर आपको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो जो ड्रिल किया गया होल का साइज होता है वही हमारा क्या होता है? माइनर डायमीटर होता है। एक्सटर्नल थ्रेड के कंडीशन में क्या होता है? जब आपकी थ्रेड पूरी रूप से कट जाती है जो डायमीटर प्राप्त होता है वो आपका माइनर डायमीटर होता है। तो ये आपकी चीजें थोड़ी सी समझने वाली है जिसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आता है आपका पिच डायमीटर। पिच डायमीटर क्या होता है? इन दोनों के बीच का आपका एक इमेजिनरी डायमीटर होता है। बेसिकली इसको स्पेसिफाई किया जाता है कि ऐसा डायमीटर जहाँ पर जो आपकी थ्रेड की थिकनेस होती है उसके पिच की आधी होती है। बट ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, ज़्यादा याद करने में दिक्कत हो सकती है। क्या कहते हैं? जहाँ पर जो थ्रेड की थिकनेस है उसके पिच की आधी होती है उसे पिच डायमीटर बोलते हैं। बट ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको सॉरी पिच नहीं उसकी डेप्थ की आधी होती है, ठीक है, जो आपका ऐसा डायमीटर जहां पर उसकी जो डेप्थ मतलब जो क्या कह सकते हैं जो आपकी पिच है वो डेप्थ की क्या होती है? आधी होती है, तो उसको आपको पिच डायमीटर बोला जाता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, ये है कि आपका इमेजिनरी डायमीटर होता है जो कि मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में आपका स्थित होता है। और जितने भी कैलकुलेशन होते हैं थ्रेड के सारे आपके डिपेंड करते हैं पिच डायमीटर पर ही। पिच डायमीटर के अनुसार ही सारे यहाँ पर कैलकुलेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लैंक है। तो फ्लैंक क्या है? आपकी जो ये आपका जो दोनों सरफेस होती है इसी को फ्लैंक से पहले आप क्रेस्ट और रूट देख लीजिए। क्रेस्ट क्या होता है? आपका सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है, ठीक है, थ्रेड में क्या है, ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड मान लो तो क्या होता है? सबसे ऊपर वाला। तो आपकी जो दोनों साइडें हैं थ्रेड की, जो दोनों साइडें होती हैं ऊपरी वाले जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आप क्रेस्ट बोलते हैं। अब यही दोनों निचले जिस बिंदु पर सबसे नीचे मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब ये जो दोनों आपकी सरफेस होती हैं ठीक, इन्हीं सरफेस को क्या कहा जाता है? फ्लैंक कहा जाता है। और ये फ्लैंक बेसिकली कितने एंगल पर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेड का एंगल भी कहते हैं। पिच को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, चाहे क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी ले लो, चाहे रूट से रूट की दूरी बीच की ले लो, जो आपकी दो आसपास की हो उनके बीच के डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, बशर्ते ये पैरेलली ना पा जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आया है हेलिक्स एंगल। तो हमारे फ्लूट हमारे यहाँ पर जो इसके क्या नाम बेसिकली थ्रेड के जो फ्लूट किस एंगल पे कटे होते हैं, किस एंगल पे बेसिकली ये थ्रेड आपका जो हेलिक्स बना हुआ है वह उसका क्या कहलाता है? हेलिक्स एंगल कहलाता है। बेसिकली कह लीजिए जो सेंटर लाइन होती है और जो एक एज हो गई उसके बीच कितना एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा हेलिक्स एंगल। देन यहाँ पर आपका पूछा जाता है डेप्थ के बारे में कि डेप्थ क्या होती है, तो इसे आप कह सकते हो क्रेस्ट और रूट के बीच की जो परपेंडिकुलर जो आपकी स्ट्रेट डिस्टेंस होती है ये आपकी क्या कहलाती है? सिंगल डेप्थ कहलाती है, ठीक। और अगर मेजर डायमीटर में से टू डेप्थ दो डबल डेप्थ को घटा दिया जाए तो हमें माइनर डायमीटर प्राप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी थ्रेड से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पर आपको एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है 32A 46H8V। तो इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि ए का मतलब क्या होता है, ये किसको दर्शाता है। तो ये बेसिकली जब ग्राइंडिंग आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर नॉमनिक्लेचर इसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ पर जो आपका जो सबसे पहला नंबर होता है जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है 32 दिया गया है, तो 32 क्या हो जाता है? आपका मैन्युफैक्चरर का कोड हो जाता है, कंपनी का कोड हो जाता है।
देन यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर होता है दूसरा यहाँ पर उसे हम बोलते हैं एब्रेसिव। तो ए मतलब हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। तो ए का मतलब क्या है, ये टाइप ऑफ एब्रेसिव दिखा रहा है कि कौन सा यहाँ पर एब्रेसिव, कौन सा अपघर्षक प्रयोग किया गया है। देन 46 आ गया, तो 46 नथिंग बट उसका क्या हो जाता है, ग्रेन का साइज हो जाता है। और 46 के किसके अंतर्गत आता है, तो मीडियम के अंतर्गत आता है। देन यहाँ पर एच, एच मतलब क्या हो गया, उसका ग्रेड हो गया कि कौन सा ग्रेड का यहाँ पर व्हील यूज किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली एच किसके अंतर्गत आता है, सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। देन यहाँ पर जो आठ है, आठ बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, एक से आठ तक डेंस होता है और 9 से 16 ओपन होता है। देन वी जो लास्ट वाला है ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड को दर्शाता है, कौन सा बॉन्ड प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वी है, वी मतलब हो जाता है विट्रीफाइड बॉन्ड। कई बार इसके बाद भी कुछ यहाँ पर नंबर दे दिया जाता है, जैसे मान लो दे दिया गया 52, तो ये भी क्या होता है, ये भी बेसिकली उस कंपनी का अपना कोड ही होता है। तो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है, एंड का जो नंबर होता है, ये दोनों कंपनी का कोड होता है। बाकी यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका एब्रेसिव, फिर ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड। कुछ ही सीक्वेंस में चीज़ें यहाँ पर अरेंज होती हैं, देख लेते हैं इसको हम एक पूरा व्यू प्लेयर की पिक्चर के साथ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बेसिकली होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका कोई एक दिया 3 1 2 3 H 5 सॉरी यहाँ पर आपका 51 A 36 L 5 V 23 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपका जो पहला आपका हो गया स्टार्टिंग वाला और जो आपका अंत वाला हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, कंपनी से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के रेफरेंस के लिए उनके कोड होते हैं। देन यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्या दिया जाता है, तो पहले नंबर पर टाइप ऑफ एब्रेसिव दिया जाता है कि कौन सा यहाँ पर एब्रेसिव यूज किया जा रहा है। अब ये एब्रेसिव आपके दो हो सकते हैं, अगर ए दिया गया है तो ए का मतलब हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और सी दिया गया है तो सी का मतलब हो जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। आपको क्लियर होना चाहिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है बेसिकली ये प्रयोग किया जाता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए, और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसको हम प्रयोग करते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। देन यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है ग्रेन साइज। पहले पर हो गया था टाइप ऑफ एब्रेसिव कि कौन सा एब्रेसिव यूज कर रहे हैं, दूसरे पर हमारा क्या आता है, तो दूसरे पर आता है ग्रेन साइज कि जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एब्रेसिव उसके ग्रेन का साइज कितना है। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जांपल 36, ठीक। अब ग्रेन के साइज आपके कई यहाँ पर फर्दर आपके क्लासिफाइड किए जाते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर ग्रेन के साइज होते हैं। ग्रेन का साइज बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो उसके कण होते हैं व्हील के जो यहाँ पर पार्टिकल होते हैं उनका साइज कितना है, बेसिकली इसको जो हम ग्रेन साइज को देखना होता है तो एक छलनी की सहायता से उसको हम मेजर करते हैं, उसको क्या करते हैं छालते हैं, तो एक पर्टिकुलर साइज होती है जो उससे निकल जाते हैं उसके रेंज में वहाँ पर रखे जाते हैं। तो एक वहाँ पर बेसिकली एक स्क्वायर इंच में कितने छेद हैं उसी को हम क्या कहते हैं ग्रेन ऑफ एब्रेसिव के नाम से जानते हैं। अब ये फर्दर क्लासीफाइड किए जाते हैं कैसे, कोर्स मीडियम फाइन वेरी फाइन। कोर्स मतलब हो गया ओपन है, काफ़ी बड़ा बड़ा है, ठीक है होल वहाँ पर। तो इसकी रेंज होती है 10 से लेकर के 24 तक। तो 10 से 24 के बीच में अगर कोई नंबर दिया जाए तो इसे कहा जाता है कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन बेसिकली कब यूज करते हैं, जब हमें तेज कटिंग करना होता है या कम सरफेस फिनिशिंग चाहिए होती है या कोई सॉफ्ट मेटल है उसकी यहाँ पर ग्राइंडिंग करनी होती है, तो उस कंडीशन में कोर्स वाले का प्रयोग किया जाता है। ये 10 से 24 नंबर के बीच में हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मीडियम हो गया। मीडियम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये मीडियम वाला ही दिया जाता है, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 30 से लेकर 60 के बीच में, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका 46 नंबर वाला और 36 नंबर वाला, ठीक। सबसे ज़्यादा एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, 36 और 46 आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं मीडियम ग्रेन साइज। देन यहाँ पर आता है आपका फाइन। फाइन की रेंज होती है 80 से 180 के बीच में, और वेरी फाइन इसका रेंज होता है 220 से 600 के बीच में, ठीक। अब यहाँ पर अगर बात की जाए फाइन वाले का प्रयोग कब करते हैं, तो फाइन का प्रयोग किया जाता है जब आपको स्लो कटिंग करनी हो, अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए हो, या कह सकते हैं आपका कोई जो मेटल है आपका हार्ड है या ब्रिटिल है, तो उस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं फाइन वाले ग्रेन एब्रेसिव का। दो ही पूछा जाता है, या तो कोर्स का यूज पूछा जाएगा या तो फाइन का। कोर्स काफ़ी हाई स्पीड से कट करेगा, इसके लिए सरफेस फिनिश कम आएगी और ये मुलायम सॉफ्ट मटेरियल के लिए होगा। जो फाइन होगा ये आपका क्या करेगा, स्लो स्लो कटिंग करेगा, अच्छी सरफेस फिनिश आएगी,
हार्ड और बिटल के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हो गया ग्रेन। तीसरा यहां पर आता है ग्रेड के बारे में, ठीक है। तीसरा होता है कि आपका ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है जो आपका बॉन्ड यूज कर रहे हैं हम, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर आपका सिलिकॉन कार्बाइड, तो जो सॉरी जो बेसिकली यहां पर एब्रेसिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्ड है उसके जोड़ने के लिए एब्रेसिव के कणों के, उस बॉन्ड की हार्डनेस कितनी, कितना हार्ड है, कितनी स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड की, उसी का मतलब होता है ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड नथिंग बट क्या दर्शाता है, बॉन्ड की हार्डनेस को दर्शाता है कि हमारा बॉन्ड कितना हार्ड है। अब इसको डिवाइड किया जाता है तीन पार्टों में, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। यहाँ पर अंग्रेजी के लेटर द्वारा इसको दर्शाया जाता है, तो एच से ले ए से लेकर के एच तक, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने गलत दिया है, ए से लेकर के जो एच तक होता है, ठीक है, कहाँ से ए से लेकर के जो एच तक का होता है, इसको हम रखते हैं किसके अंतर्गत, तो इसको हम रखते हैं सॉफ्ट के अंतर्गत। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट चालू होता है आई से लेकर के क्यू तक, ठीक है। आई से जो क्यू की रेंज होती है, ये आई टू क्यू की रेंज होती है मीडियम वाली। देन यहाँ पर इसके आगे आपका जो है आपका क्यू से लेकर के जेड, क्यू हो गया तो बचा क्या आर से लेकर के जेड, ये किसके अंतर्गत आता है, ये हार्ड के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, आप इसको सही करिएगा। ए टू एच क्या होता है, तो ए टू एच हमारा सॉफ्ट होता है, आई टू क्यू हमारा मीडियम होता है, और आर टू जेड हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर यल दिया गया था, तो एल किसके अंतर्गत आता है, यल हमारा मीडियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अब स्ट्रक्चर का मतलब नथिंग बट आपका मान लीजिए यहाँ पर ग्राइंडिंग हुई है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एब्रेसिव कण होंगे, ठीक है। तो एब्रेसिव कण हो गए, सबसे पहले तो टाइप ऑफ एब्रेसिव हमने देख लिया, देन ग्रेन साइज देख लिया कि इस एब्रेसिव का यहाँ पर साइज कितना है। अब एब्रेसिव को होल्ड करने के लिए बॉन्ड है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो, इसकी ग्रेड हो गई। अब यहाँ पर जो दो एब्रेसिव है इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, एक ये एब्रेसिव हो गया, मान लो जूम कर दिए, एक ये एब्रेसिव हो गया, इनके बीच यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, वही नथिंग बट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर के द्वारा बेसिकली हमें पता क्या चलता है, तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसका डेंसिटी कितना है, वो किसके द्वारा पता चलेगा, तो स्ट्रक्चर के द्वारा ही बेसिकली यहाँ पर उसका पता चलता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा नंबर, टाइप ऑफ बॉन्ड, सॉरी स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर बेसिकली इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है जिसको हम बेसिकली एक से लेकर आठ नंबर देते हैं, दूसरा नौ से सोलह देते हैं, या थोड़ा थोड़ा आपका वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार, ठीक है। तो एक होता है क्लोज, दूसरा होता है आपका ओपन। तो एक से सात नंबर जैसे इनके अनुसार ले लो, तो एक से सात नंबर इसको हम क्या रखते हैं, तो इसको हम डेंस के अंतर्गत रखते हैं। डेंस मतलब उसके दो यहाँ पर जो एब्रेसिव ग्रेन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है। डिस्टेंस कम होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम इसका प्रयोग बेसिकली करते हैं जब आपकी बढ़िया मतलब काफ़ी अच्छी ग्राइंडिंग करनी होती है, ठीक है, गैप कम होता है, तो इसे गुड फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 से 16 हो गया, 9 से 16 को किसके अंतर्गत रखते हैं, ओपन के अंतर्गत रखा जाता है, ओपन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो गैप होगा थोड़ा क्या हो जाता है, गैप ज़्यादा हो जाता है, ठीक, एक कण यहाँ हो गया, एक कण यहाँ हो गया, गैप थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा हो गया, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका प्रयोग जब हमें तेज़ी से कटिंग करना होता है काफ़ी स्पीड से, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, तो है आपकी टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा यहाँ पर हम बॉन्ड यूज कर रहे हैं। बॉन्ड बेसिकली क्या है, तो एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन होंगे, अब इनको आपस में जोड़ने के लिए, जैसे जब हम रोड बनाते हैं, रोड बनती है, तो रोड में जो भी आपकी कंक्रीट यूज की जाती है, कंक्रीट किसके द्वारा जोड़ी जाती है, तो तारकोल के द्वारा कंक्रीट आपस में जुड़ी होती है। तो टारकोल क्या है, नथिंग बट आप टारकोल एक बॉन्ड के रूप में काम करता है। तो बॉन्ड क्या होता है, एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़ने, मजबूती प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतना अच्छा ही ग्राइंडिंग व्हील होगा। अब ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर वी दिखाया गया है, वी का मतलब हो गया विट्रीफाइड, एस दिया गया है तो एस का मतलब हो गया सिलिकेट, आर एफ दे दिया जाए तो ये हो जाएगा रबर या रेनी फोर्स्ड, बी हो गया तो बी बैकेलाइट या इसी को रेजेनाइट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, देन यहाँ पर बी एफ हो गया तो रेन फोर्स्ड हो गया, ई आ गया तो ई का मतलब हो गया सेलेक्ट बॉन्ड, एम जी हो गया तो मैग्नीशियम हो गया, कई बार यहाँ पर आपको मेटेलिक बॉन्ड एम दिया जाता है, ओ एक्स वाई ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो यह सब टाइप ऑफ बॉन्ड हैं,
जो कि आपके यूज किए जाते हैं किसमें, यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील में। ठीक, तो अब आशा करते हैं अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन ग्राइंडिंग से आता है तो ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पर आप उसको आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने बाद क्या करनी चाहिए। तो कंसेंट्रिक का मतलब हो गया वो सेंटर में चले, सेंटर से आउट ना चले। तो सेंटर में चलाने के लिए हमें क्या करना होती है, उसकी ट्रूइंग की जाती है। जैसे जब हम लेथ मशीन पर कोई जॉब होल्ड करते हैं फोरजा चक में, तो सबसे पहले क्या की जाती है, उसकी सेंटरिंग ट्रूइंग की जाती है। ट्रू करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिंडल के एक्सिस के अनुसार कि उसके कंसेंट्रिक चले। तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ट्रूइंग के नाम से जाना जाता है। बाकी ग्लेजिंग और लोडिंग क्या होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ड्रेसिंग क्या होता है, उस लोडिंग और ग्लेजिंग को सही करना ही आपका ड्रेसिंग होता है। डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो भी टर्मिनोलॉजी आपकी दी गई है। सबसे पहले लोडिंग क्या होता है, तो व्हेन द सॉफ्ट मेटल सच एज एल्यूमिनियम कॉपर लेड आर ग्राउंड द मेटल पार्टिकल गेट क्लॉग्ड इन द पोर्स ऑफ व्हील, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लोडिंग। तो जब भी हम मुलायम धातुओं की ग्राइंडिंग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, ये एब्रेसिव के जो ग्रेन होते हैं इनके बीच में जा करके, एब्रेसिव कणों के बीच में जाके फंस जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस दोष को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोडिंग कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा व्हील अच्छे से कटिंग का काम नहीं करता है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी यहाँ पर सर्दी है तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसके लिए एक्सक्यूज फॉर दैट। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लेजिंग है। ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन ए सरफेस ऑफ द व्हील डेवलप ये स्मूथ एंड शाइनिंग अपियरेंस। जब आपका ग्राइंडिंग व्हील कटिंग करते करते एक कंडीशन ऐसी जा जाती है कि उसकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग हो जाती है और वो कटिंग काम नहीं करती है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्लेज्ड कहते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट व्हील इज ब्लंट। और ग्लेजिंग क्या इंडिकेट करता है, जो व्हील हमारा क्या हो गया है, ब्लंट हो गया है, उसके एब्रेसिव ग्रेन में अब वो शार्पनेस नहीं रह गई है, मतलब कह लो अब ब्लंट हो गया है, कटिंग का काम नहीं कर रहा है। ड्रेसिंग क्या होता है, द पर्पज ऑफ ड्रेसिंग टू री स्टोर द करेक्ट कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। अब लोडिंग और जो ड्रेसिंग है इसकी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर जो इसके एब्रेसिव कण होते हैं, इसके कह लीजिए धार लगाने के लिए, इसके जो कटिंग एक्शन है उसको सुधारने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसी को ड्रेसिंग कहते हैं। अब ड्रेसिंग क्या करता है, रिमूव करता है जो भी आपके पार्टिकल उसके व्हील के बीच में फंस जाते हैं, या जो ब्लंट एब्रेसिव ग्रेन है उनको रिमूव करता है और नए यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन को उसमें उभारने का काम करता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब हम ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो ड्रेसिंग में हमारे ट्रूइंग की प्रोसेस भी साथ साथ यहाँ पर चलती रहती है। तो चाहे आपकी ड्रेसिंग हो या ट्रूइंग हो, तो बेसिकली दोनों आपकी सेम ही हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ट्रूइंग के बारे में। ट्रूइंग क्या होती है, ट्रूइंग रेफर्स टू द शेपिंग ऑफ द व्हील टू मेक इट रन कंसेंट्रिक विद द एक्सिस। तो जब हम ग्राइंडिंग व्हील को उसके स्पिंडल पर फिक्स कर रहे होते हैं तो उसको कंसेंट्रिक चलाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ट्रूइंग किया जाता है। व्हेन ए न्यू ग्राइंडिंग व्हील इज माउंटेड, जब नई ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करते हैं, इट मस्ट बी ट्रूड बिफोर यूज, यूज करने से पहले उसको क्या करना है, ट्रू करना है। कटिंग सरफेस ऑफ ए न्यू व्हील में रन आउट स्लाइटली ड्यू टू द क्लियरेंस बिटवीन द बोर एंड द मशीन स्पिंडल। अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी क्लियरेंस मिला तो आपकी जो कटिंग एज है क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, चूंकि एक साइड में हो सकता है रगड़ खा के चले। ग्राइंडिंग व्हील व्हिच आर इन यूज आल्सो कैन रन आउट ऑफ ट्रू ड्यू टू अनइवन लोडिंग व्हील ग्राइंडिंग। जो आपके पुराने व्हील हैं उसमें भी ट्रूइंग किया जाता है, क्योंकि कई बार यूज के बाद जब लोडिंग पड़ती है तो कई बार अनइवन लोडिंग पड़ती है, तो उस कंडीशन में व्हील हमारा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग आर डन एट द सेम टाइम। तो ड्रेसिंग और ट्रूइंग दोनों क्या होती है, बेसिकली सेम टाइम पर की जाती है। तो आशा करते हैं जो टर्मिनोलॉजीज थी किससे रिलेटेड, ग्राइंडिंग से रिलेटेड, ये आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। कास्ट आयरन किससे मिलता है, क्यूपोला फर्नेस से मिलता है। रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस से मिलता है। मैलेवर आयरन बेसिकली टाइप ऑफ आयरन ही होता है, आपका कास्ट आयरन का एक प्रकार होता है। तो पिग आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस, रॉट आयरन, पुडलिंग फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट बॉल बेयरिंग एंड कटिंग टूल।
तो मैग्नेट बनाने के लिए, बाल बेयरिंग बनाने के लिए और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग करेंगे जिसमें मैग्नेटिक गुण होगा, और ये गुण होता है आपका किसके अंदर, कोबाल्ट के अंदर। ठीक है, कोबाल्ट के अंदर आपका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है यूज बेयरिंग कटिंग टूल और मैग्नेट बनाने के लिए। बाकी क्या होते हैं मेटल, उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट यहाँ पर कोबाल्ट को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोबाल्ट इज 1495। कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कितना होता है, 1495 होता है डिग्री सेल्सियस। दिस कैन रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड वेयर रेजिस्टेंस। बेसिकली इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर। जब यहाँ पर जो आपकी धातु है उसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है, और साथ ही साथ एक घिसन प्रतिरोधी वेयर रेजिस्टेंस भी होता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, मैग्नेट बनाने के लिए, बाल बेयरिंग और कटिंग टूल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कैडमियम के बारे में, तो कैडमियम को सीडी से दिखाते हैं। कोबाल्ट को किससे लिखते हैं, सीओ से लिखते हैं, कैडमियम को सीडी से लिखते हैं। कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 320 डिग्री सेल्सियस होता है कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। यूज कहाँ करते हैं, तो कैडमियम को यूज किया जाता है कोटिंग के लिए। ठीक, तो जब भी स्टील कंपोनेंट की कोटिंग करनी होती है तो इस केस में किसका यूज किया जाता है, कैडमियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मॉलीविडनम, मॉलीविडनम को एमओ से लिखते हैं। मॉलीविडनम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 2620 डिग्री सेल्सियस होता है, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक 2620 डिग्री सेल्सियस है। दिस गिव हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट सॉफ्टनिंग व्हाइल हीटेड। जब भी मेटल को काफ़ी ज़्यादा ताप पर गर्म किया जाएगा तो उस समय भी इसमें काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सॉफ्टनिंग के खिलाफ। इसलिए इसका यूज जहाँ पर करते हैं, जहाँ पर आपका जो आपका पार्ट है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर यूज करना हो, वहाँ पर मॉलिब्डेनम का यूज करेंगे। 2620 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट कई बार एग्जाम में, यहाँ पर आपके धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वह है आपका वैनेडियम। वैनेडियम को किससे दर्शाया जाता है, तो वैनेडियम को वीए से लिखते हैं। वैनेडियम का काम क्या होता है, दिस इम्प्रूव द टफनेस ऑफ स्टील। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि मान लो स्टील की टफनेस को हमें इम्प्रूव करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मेटल मिलाएंगे, कोबाल्ट, कैडमियम, मॉलिब्डेनम या वैनेडियम, तो किसका प्रयोग करेंगे, वैनेडियम का प्रयोग करेंगे टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए। वैनेडियम स्टील इज यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ गियर टूल्स। किसके लिए यूज करते हैं, तो जब गियर बनाना हो या टूल्स बनाने हो तो उसके लिए वैनेडियम का यूज किया जाता है। इट आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इन द टूल स्टील। जब टूल स्टील संरचना वाली स्टील प्राप्त होती है तो वहां पर फाइन ग्रेन प्राप्त करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, वैनेडियम का यूज किया जाता है। ऐसा करते हैं, चीजें समझ में आई होंगी, मोटा मोटा पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन करके याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है कॉपर से रिलेटेड। हाउ मच कॉपर कंटेंस इन पाइराइट ओर। तो जो पाइराइट ओर होता है उसमें कॉपर की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो कॉपर पाइराइट, बेसिकली पाइराइट क्या होता है, कॉपर का एक अयस्क होता है, तो पाइराइट में कितनी परसेंट कॉपर की मात्रा पाई जाती है, तो ये होती है आपकी 32%। ठीक है, 32%। अब यहाँ पर 32 ना दे करके क्या लिखा गया, 0.32 लिखा गया, तो इसको भी अगर मान लो टोटल आपका क्या है, एक है, तो एक में अगर बात की जाए कितना पाया जाएगा, तो एक में 0.32। ठीक है, अगर 100 है तो 100 में कितना पाया जाएगा, 32% पाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं अदर कौन कौन से यहाँ पर इसके एस यूज किए जाते हैं और उसमें कितना कंटेंट पाया जाता है। तो अगर बात की जाए कॉपर की, तो कॉपर क्या होता है, आपका एक धातु है। इसका निष्कर्षण किससे किससे कर सकते हैं, कौन कौन इसके मेन ओर हैं, ठीक है, एस्क है, तो सबसे पहला आपका आता है मैलेकाइट। मैलेकाइट में कितना पाया जाता है, तो मैलेकाइट में आपका अराउंड 55%, 55% के करीब पाया जाता है। और दूसरा जो होता है यहाँ आपका पाइराइट होता है। पाइराइट में कितना पाया जाता है, तो पाइराइट का भी हमने ऊपर डिस्कस किया कितना पाया जाता है, 32% कॉपर पाया जाता है। कॉपर की और क्या प्रॉपर्टीज होती है, कलर कैसा होता है, रेडिश कलर का होता है। कॉपर का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर ये जीरो नहीं है, बेसिकली बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री का यहाँ पर सिंबल है, ठीक है। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 1083 डिग्री सेल्सियस हो गया। कलर कैसा हो गया, रेडिश हो गया। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जब इसको फ्रैक्चर किया जाए, फ्रैक्चर मतलब तोड़ा जाए,
तो इसका स्ट्रक्चर ग्रेनुलर दिखेगा, लेकिन अगर इसको फोर्जिंग किया जाए या रोलिंग किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फाइबरस हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हैमर के द्वारा तोड़ते हैं, फ्रैक्चर करते हैं, तो स्ट्रक्चर आपको ग्रेनुलर ग्रेन के आकार का दिखेगा, और अगर इसको रोलिंग करते हैं, ठीक है, फोर्जिंग करते हैं, तो उस समय हमारा फाइबरस स्ट्रक्चर मिलेगा। इट इज़ वेरी मैलेबल, या आपका बहुत ही क्या होता है, मैलेबल होता है, उसके साथ साथ डक्टाइल भी होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, सीट बनाने के लिए। मैलेबल के कारण सीट बनाते हैं और डक्टिलिटी के कारण क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको क्लियर होने चाहिए। मैलेबिलिटी के कारण क्या बनाई जाती है, सीट बनाई जाती है, और डक्टिलिटी के कारण वायर बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत होती है, विद्युत का काफ़ी अच्छा ये सुचालक होता है, इसलिए कॉपर का यूज कहाँ किया जाता है, तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं उसको बनाने के लिए, या कि जो इलेक्ट्रिकल के पार्ट होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, चूंकि काफ़ी अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट का। साथ ही साथ ये आपका हीट का भी, ऊष्मा का भी काफ़ी अच्छा सुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग किया जाता है हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, साथ ही साथ जो कोरोजन है, जंग है, उसका हाईली रेजिस्टेंस होता है, मतलब जंग प्रतिरोधी होता है। तो ऊष्मा का सुचालक होने के कारण, जंग का प्रतिरोधी होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है वॉयलर के जो फायर बॉक्सेस होते हैं उसको बनाने के लिए, वाटर हीटिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए, पानी के पाइपलाइन बनाने के लिए, या जो वेजल्स होते हैं उसको बनाने के लिए, या केमिकल प्लांट में भी इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। आल्सो यूज फॉर मेकिंग सोल्डरिंग आयरन, बेसिकली सोल्डरिंग की जो बिट होती है जिसके द्वारा सोल्डरिंग की जाती है उसे हम सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऊष्मा का इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा सुचालक होता है, इस कारण सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कॉपर के बारे में पूरी डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी। डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मैनी टाइप ऑफ एसिड, कौन सी वो धातु होती है जो कि कई प्रकार अम्लों के लिए क्या है, प्रतिरोधी है। तो जब भी अम्ल का नाम आए तो क्या हो जाएगा, आपका लेड आ जाएगा। लेड क्या होती है, अम्लों की क्या होती है, बहुत ही कड़ी दुश्मन है, उसकी क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। लेड काफ़ी हैवी मटेरियल होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लाइट सबसे हल्का मटेरियल कौन है, तो सबसे लाइट हल्का होता है एल्युमिनियम, सबसे हैवी सबसे भारी मटेरियल कौन है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, जो कि सबसे भारी सबसे हैवी मटेरियल होता है। इसको भी एक एक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे लेड के बारे में। ठीक, तो लेड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स ओर गैलेना, यहाँ पर आपके धातुओं के एस के भी पता होने चाहिए, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था किसको, कॉपर को, तो मैलेकाइट हो गया, पाइराइट हो गया। लेड की बात की जाए तो लेड का एस क्या हो गया, गैलेना हो गया, लेड को गैलेना से प्राप्त करते हैं। इट इज़ वेरी हैवी मेटल, ये क्या होता है, बहुत ही हैवी काफ़ी भारी धातु होता है, दैट इज सिल्वरी इन कलर। ठीक, तो जब ये मोल्टन होता है तो उस कंडीशन में इसका कलर कैसा होता है, सिल्वरी होता है। इट इज़ सॉफ्ट, काफ़ी आपका नरम होता है और मैलिएबल होता है, साथ ही साथ गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन और संक्षारण या जंग का भी प्रतिरोधी होता है, काफ़ी भारी है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी मुलायम है, ठीक है, सॉफ्ट है, मैलिएबल है, और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी भी है। गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी दी गई यहाँ पर, गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। तो जहाँ भी आपका रेडिएशन का काम होता है, जैसे कोई एक्सरे है, ठीक, तो एक्सरे में इसका यूज किया जाता है एज ए रेजिस्टेंस के रूप में, एज ए शील्डिंग मटेरियल के रूप में। अब चाहे आपको नॉर्मल एक्सरे हो, या इंडस्ट्री का एक्सरे हो, या डॉक्टर वगैरह जो यूज करते हैं, वहाँ पर भी इसकी प्लेट यूज की जाती है, लेड की प्लेट। और यहाँ पर बेसिकली जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे आपको जो लोग NPCIL का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेड का प्रयोग इंसुलेटर के रूप में क्यों करते हैं, चूंकि ये काफ़ी हैवी होती है, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसका प्रयोग शील्डिंग के रूप में किया जाता है। तो जहाँ भी वो कैमरा वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर जो भी गामा सोर्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किए जाते हैं गामा रेडिएशन सोर्स, जिसको बेसिकली इसमें स्टोर किया जाता है, उसको हम कैमरा बोलते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ पर भी आपका रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जहाँ पर भी रेडिएशन का काम होता है, तो जिसको जो दीवारें होती उसमें भी लेड लगाया जाता है एज ए शील्डिंग मटेरियल के रूप में। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक,
नेक्स्ट बात की जाए, लेड इज रेजिस्टेंस टू मैनी एसिड, ये क्या होता है, एसिड में भी रेजिस्टेंस होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इसमें भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेटल है जो उसे एसिड का रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होता है, लेड होता है। इट इज यूज्ड इन कार बैटरी, कार के बैटरी में यूज करते हैं, किस लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोल्डर एटसेट्रा, तो कार के बैटरी में यूज करते हैं सोल्डर बनाने के लिए, ठीक है, टिन और लेड का कंपोजिशन होता है सोल्डर, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट, और पेंट को बनाने में भी लेड का यूज किया जाता है। तो ऐसा करते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें डिटेल दी गई हैं लेड के बारे में, आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ गैलेना पूछा जाता है, इसका आयस काफी हैवी है ये पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इंसुलेटर वाला जो एग्जाम देने जा रहे हैं NPCIL का, उनके लिए पूछा जा सकता है। एसिड का प्रतिरोधी होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं टिन के बारे में देखते हैं, तो टिन को किससे बनाया जाता है, तो टिन का और होता है कैसिटेराइट या फिर टिन स्टोन, इसके दो एस का है, कैसिटेराइट या फिर टिन स्टोन। ये सिल्वरी व्हाइट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 231 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान में रखेंगे, कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, 231 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग इसमें बताएंगे कि जो लेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लेड का गलनांक कितना होता है। जैसे टिन हो गया, सबसे आपकी कम धातु, सबसे कम गलनांक टिन का ही होता है, 231 या 232 आपके एग्जाम में दिया जाता है। इसी प्रकार आप बताएंगे कि लेड का गलनांक कितना होता है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, इट इज सॉफ्ट एंड हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस, ये क्या होती है आपकी, काफी सॉफ्ट होती है टिन और कोरोजन रेजिस्टेंस भी होती है। इट इज मेनली यूज्ड एज कोटिंग ऑन स्टील शीट, जब भी यहाँ पर जब हम सोल्डिंग वगैरह करते हैं तो उस समय टिनिंग की जाती है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सोल्डर का काम क्या होता है, फ्लक्स का काम क्या होता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका यूज करते हैं स्टील की कोटिंग के लिए भी, प्रोडक्शन ऑफ फूड कंटेनर, जो फूड कंटेनर होते हैं उसमें भी इसकी पतली परत टिन की लगी होती है। इट इज आल्सो यूज्ड विद अदर मेटल टू फॉर्म एलॉयस, और एलॉय बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो सोल्डर बनाना है तो उसमें भी टिन और लेड दोनों का यूज किया जाता है। आपको कमेंट क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम के बारे में कि क्रोमियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नाम से स्पष्ट है क्रोमियम बेसिकली इसका प्रयोग संक्षारण प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, बिना पर्याप्त देख लीजिएगा। क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील, जब इसको स्टील में मिलाते हैं तो क्या क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, साथ ही साथ उसकी टफनेस भी बढ़ जाती है, उसकी हार्डनेस भी यहाँ पर उसकी बढ़ जाती है। तो जब क्रोमियम को स्टील में मिलाया जाता है तो कोरोजन रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जाए कि क्रोमियम स्टील में कितने परसेंट तक पाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 30% तक हम क्रोमियम को स्टील में ऐड कर सकते हैं। क्रोमियम इज आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंपोनेंट, जब कंपोनेंट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है तो उस केस में भी यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्रोमियम का यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील कंटेंस अबाउट 13% क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील की बात की जाए तो उसमें कितना परसेंट क्रोमियम यूज किया जाता है, तो उसमें 13% क्रोमियम यूज किया जाता है। क्रोमियम निकिल स्टील इज यूज्ड फॉर बियरिंग, क्रोमियम निकिल स्टील होती है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बियरिंग बनाने के लिए करते हैं। क्रोम वैनेडियम स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंड टू लाइक स्पाइनर एंड रिंच, जो भी स्पाइनर बनाए जाते हैं, रिंच बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं, वैनेडियम स्टील के बने होते हैं। तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, क्रोमियम को जब स्टील में मिलाते हैं तो मेनली जो याद रखना है आपका, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफी अच्छी बढ़ जाती है, घर्षण जो आपका बेसिकली जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है बढ़ जाती है, टफनेस भी बढ़ जाती है, मैक्सिमम 30% तक मिला सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में 13% पाया जाता है। बेयरिंग बनाने के लिए निकिल क्रोमियम स्टील यूज करते हैं, स्पैनर और रिंच बनाने के लिए क्रोमियम वैनेडियम स्टील यूज करते हैं। निकिल की बात की ली जाए तो निकिल भी क्या होता है, काफी हार्ड मेटल होता है, ये भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के खिलाफ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट निकिल का कितना होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। निकिल का मेल्टिंग पॉइंट 1450 डिग्री सेल्सियस, 1450 डिग्री सेल्सियस निकिल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। निकिल कैन बी मैग्नेटाइज, निकिल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। निकिल इज आल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी निकिल का हम यूज करते हैं।
इनवायर स्टील कंटेंस अबाउट 36% ऑफ निकिल। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इनवायर स्टील होती है उसमें निकिल की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो 36% होती है। इट इज टफ एंड क्रोजन रेजिस्टेंस। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवायर स्टील। जो भी आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्नियर हो गया आपका, स्लिप गेजेस हो गए, ये सब इनवायर स्टील से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो लीस्ट कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, जो इसका आपका घर्षण गुणांक होता है, ठीक है, जो आपका घर्षण गुणांक होता है, ठीक है, बेसिकली कह सकते हैं क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। मान लीजिए किसी मेटल को जब हम हीट करते हैं, तो हीट पाकर उसमें टेंडेंसी होती है कि वो फैलता है, एक्सपेंड करता है, तो निकिल में सबसे कम टेंडेंसी होती है फैलने की। इसको उष्मा दिया जाए तो काफी कम फैलता है, टेम्परेचर का इफेक्ट काफी कम पड़ता है इस पर, लीस्ट कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होने के कारण इसका प्रयोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। निकिल स्टील एलॉय आर अवेलेबल फ्रॉम 2% टू 50%। अब निकिल के जो एलॉय होते हैं 2 से 50% तक हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, निकिल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1450 होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इनवायर स्टील में कितना परसेंट होता है निकिल का, तो इनवायर स्टील में लगभग 36% होता है। इसको हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं, तो इसका जो कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होता है काफी कम होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो ऐसा करते हैं चारों जो मेटल्स है आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का यूज क्या होता है, तो बेसिकली टेलीस्कोपिक गेज का यूज किया जाता है मेजरिंग के लिए, चाहे आपका होल हो या स्लॉट हो, उसकी यहाँ पर गहराई को या उसकी चौड़ाई को मेजर करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का यूज किया जाता है। और नाम में गेज लगा है, तो गेज का मतलब क्या होगा, ये आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसकी फिर रीडिंग को हमें क्या करना होता है, आपका माइक्रोमीटर या वर्नियर, जिस पर भी आपको ट्रांसफर करना होता है कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका कोई क्या है, स्लॉट है, इसकी विड्थ को ये चेक कर रहा है टेलीस्कोपिक गेज। फिर उसके बाद इसकी रीडिंग को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर करके रीडिंग देख रहे हैं कि एग्जैक्ट रीडिंग कितनी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रेंज में पाया जाता है, उस रेंज के बीच में आपका कुछ भी हो सकता है। देख लेते हैं टेलीस्कोपिक गेज, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेस। होल है, स्लॉट है, रिसेस है, तो उसकी आपकी डेप्थ मापने के लिए, साइज मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का यूज प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये 6 सेट में पाए जाते हैं, कहाँ से, 8 mm से लेकर के 150 mm तक के साइज को ये मेजर कर सकता है। अब 8 mm से कम मेजर करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो अप टू 8 mm तक हम यूज करते हैं स्मॉल होल गेज का, 8 to 150 के लिए टेलीस्कोपिक गेज का। जैसे यहाँ पर जो आपका पहला सेट है उसकी साइज क्या दी गई है, 8 से 12.7, दूसरा 12.7 से 19, तीसरा 19 से 32, देन 32 से 54, देन 54 से 90, देन 90 से 150। बेसिकली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितने सेट में, 6 सेट में, या उसका साइज का रेंज, तो 8 mm से 150 mm। इनडायरेक्ट मेजरिंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो मेन यहाँ पर फिगर दिया गया है यह इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में कोई यहाँ से एक पार्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये आपका यहाँ से मेजरिंग फेस या टेलीस्कोपिक प्लंजर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लंजर देख पा रहे होंगे, बीच में ये लगी है आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पर फिक्स लेग हो गया, ये आपका मेजरिंग फेस हो गया, ठीक, प्लंजर यहाँ पर हो गया, हैंडल हो गया। तो पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से आपको पार्ट पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which method is suitable to remove the broken stud very near to the surface? तो जब आपका मान लीजिए जब हम स्टड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली टैप यूज कर रहे होते हैं, टैप कब यूज करते हैं, जब आपको इंटरनल थ्रेड काटनी होती है तो उस टाइम टैप यूज करते हैं। कई बार टैप हमारा होल में टूट जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, किस किस रीजन से टूट जाता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट कारण है। अब मेन यहाँ पर क्या है, जब आपका टैप टूट गया है तो टैप को हम निकालेंगे कैसे, निकालने का कारण क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। कब, जब यहाँ सरफेस के काफी पास में टूट गया है, सतह के पास में है, तो किस मेथड के द्वारा निकाला जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो प्रिक पंच मेथड के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। इसके द्वारा निकालते हैं, प्रिक पंच के द्वारा बेसिकली इसको निकाला जाता है। और सारे मेथड होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर ड्रिलिंग के द्वारा हो गया, एनीलिंग के द्वारा हो गया, वेल्डिंग के द्वारा हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, उसको हम अपकमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है,
तो इस क्वेश्चन का डिटेल आगे भी दिया गया है क्वेश्चन, उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम आपको टाइप पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है आपको क्लियर होना चाहिए। इसको हमने काफी अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया था कि जब काउंटर सिंक हेड स्क्रू होगा तो उसका एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री इसका एंगल हो जाता है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल आपको दिखाया गया है एक बार रिव्यू के लिए, ठीक है। जैसे काउंटर सिंक रिविटिंग के लिए पूछा जाए 75, यहाँ पर सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री, यहाँ पर काउंटर सिंक हेड स्क्रू का पूछ लिया गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, या डीबरिंग के लिए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर थ्रेडेड के लिए कितना हो जाएगा 120 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल ऑफ ड्रिल बिट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक आपको ड्रिल बिट दिखाई गई है, एक्स के द्वारा एंगल मार्क किया गया और ये पूछा जा रहा है। तो जब हम आपको ड्रिल का क्लियरेंस एंगल पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये फिगर कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ इन्होंने एंगल मिस कर दिया है, कितना होता है 8 डिग्री से होता है 12 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि 8 12 दे देते तो आपको पता चल जाता है कि ये क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल, जिसे आप लिप क्लियरेंस एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, लिप क्लियरेंस एंगल है, 8 से 12 डिग्री होता है, आपको ध्यान में रखना है। दो चीजें पूछी जाती हैं, या तो आपसे क्लियरेंस एंगल क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, या फिगर देके इसका नाम पूछ लिया जाता है। तीसरा पूछ लिया जाता है क्लियरेंस एंगल अगर मान लीजिए कम हो जाए तो क्या होगा, और ज्यादा हो जाए क्या होगा, ठीक। तो ये दो चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, क्लियरेंस एंगल जब आपका कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसको भी हमने काफी अच्छे से प्रीवियस में आपको क्लियर किया हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 20 क्वेश्चन को। अपकमिंग वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट हो इस टोटल 20 क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर काफ़ी सारी PDF भी आपको मिलती हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, PDF पा सकते हैं और सारे क्लासेस की और सारे नोट्स की, ठीक। और आपका कोई फीडबैक है क्लास इंप्रूवमेंट के लिए तो अभी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और लास्ट तक आपने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, have a good day, best of luck, bye bye, Jai Hind.